नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन शिक्षण कार्य में आप सौनु हार्दिक स्वागत छे। आज हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय और उसके प्रकारों के बारे में अभ्यास करेंगे। प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं ये जानेंगे। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा। चाचा, चाचा के पीछे यानी अंत में ई प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना चाची। उसी प्रकार लड़ शब्द है, उसके पीछे आई प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना लड़ाई, और लड़ाई का अर्थ है युद्ध। दया शब्द है, दया के पीछे आलू प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना दयालु। उपर्युक्त उदाहरणों में चाचा, लड़ और दया शब्दों में क्रमशः ई, आई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। अतः यहाँ ई, आई तथा आलू प्रत्यय है। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो मुख्य भेद हैं। भेद यानी प्रकार। प्रत्यय का पहला भेद है कृत प्रत्यय और दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय का पहला प्रकार कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे यानी अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा। जैसे तेज शब्द के अंत में आक प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना तैरा। लड़ शब्द के अंत में आका प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना लड़ाका। उसी तरह उड़ शब्द के अंत में आका प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना उड़ाका। बीच शब्द के अंत में ओना प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना बिछौना। खेल शब्द के अंत में ओना प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना खिलौना। गैर शब्द के अंत में आ प्रत्यय जुड़ गया तो नया शब्द बना गहरा। इसी तरह झोल शब्द है, उसके अंत में आ प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना जुला। उसी प्रकार उतर शब्द है, उतर शब्द के अंत में आई प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना उतराई। इसी प्रकार बुन शब्द के अंत में आई प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना बनाई। पढ़ शब्द के अंत में आई प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना पढ़ाई। इसी प्रकार लिख शब्द है, लिख शब्द के अंत में आवट प्रत्यय जुड़ जाता है तो नया शब्द बनता है लिखावट। मिल शब्द है, मिल शब्द के अंत में आवट प्रत्यय जुड़ जाता है तो नया शब्द बनता है मिलावट। उपर्युक्त उदाहरणों में तेर, लड़, खेल, झूल, बून, लिख इन शब्दों में क्रमशः आक, आका, ओना, आ, आई, आवट शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। अतः यहाँ आक, आका, ओना, आ, आई, आवट प्रत्यय है। प्रत्यय का दूसरा भेद तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। वह हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। कला शब्द है लेकिन कला संज्ञा भी है, तो कला शब्द संज्ञा के अंत में कार प्रत्यय जुड़ा तो प्रत्यय के योग से बना शब्द कलाकार। इसी तरह से मीठा शब्द विशेषण है तो मीठा शब्द विशेषण के अंत में आस प्रत्यय जुड़ा तो प्रत्यय के योग से नया शब्द बना मिठास। इसी प्रकार अपना शब्द सर्वनाम है, अपना शब्द सर्वनाम के अंत में पन प्रत्यय जुड़ा तो प्रत्यय के योग से बना शब्द अपनापन। तद्द्वित प्रत्यय उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा। शिष्य शब्द है, शिष्य शब्द के अंत में आ प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना शिष्य। उसी प्रकार से बाल शब्द के अंत में आ प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना बाला। इसी प्रकार देवर शब्द है, देवर के अंत में आनी प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना देवरानी। नौकर शब्द के अंत में आनी प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना नौकरानी। इसी प्रकार बाबू शब्द के अंत में आई प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना बबू आई। पड़ा शब्द है, इसके अंत में आई प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना पढ़ाई। दुकान शब्द है तो दुकान शब्द के अंत में वाला प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना दुकान वाला। इसी प्रकार से दूध शब्द का बना दूध वाला। बिक शब्द है, बिक शब्द के अंत में आरी प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना भिखारी। चित्र शब्द है, चित्र शब्द के अंत में कार प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना चित्रकार। पत्र शब्द है, पत्र शब्द के अंत में कार प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बना पत्रकार। लूट शब्द है, लूट शब्द के अंत में एरा प्रत्यय जुड़ा गया तो प्रत्यय के योग से नया शब्द बना लुटेरा। उपर्युक्त उदाहरणों में शिष्य, नौकर, बाबू, दुकान, भीख, चित्र, लूट आदि शब्द में क्रमशः आ, आनी, आई, वाला, आरी, कार, एरा शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। अतः यहाँ आ, आनी, आई, वाला, आरी, कार, एरा प्रत्यय है। अर्थात हम जब प्रत्यय के योग से बने शब्दों का उच्चारण करते हैं तब हमें कौन सा प्रत्यय उन शब्दों के अंत में जुड़ा है वह जान पड़ता है। आज हमने प्रत्यय और उसके प्रकारों के बारे में अभ्यास किया। आभार।